कुछ नई शुभकामनाएं हैं। अब जिस वजह से क्रांतिवीर उस वक्त बनाई थी वैसे आज हालात तो कुछ बदले नहीं हैं, वही हालात है, हमें उकसाते रहते हैं और हम वही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो शायद इस फिल्म के ज़रिए मेहुल और कुछ कहना चाहता है, कहे सही तरीके से, उस क्रांतिवीर से भी ये फिल्म अच्छी हो जाए, लोगों तक पहुँचे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे आज ये एहसास हुआ कि मेहुल जी ने कितनी अच्छी फिल्में बनाई हैं और मेरे ख्याल से शायद इंडस्ट्री के सभी आर्टिस्टों के साथ काम कर चुके हैं वो। ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आज जन्नत को लॉन्च कर रहे हैं और मेरी पूरी गुड विशेज उनके साथ हैं। अलग ये होगी कि वो जो क्रांतिवीर थी वो एक लैंडमार्क फिल्म थी, सेम उसका रिमेक करो तो पब्लिक कंपेयर करेगी, सेम स्टार का रिपीट करो तो भी कंपेयर होती है, और उस टाइम पे जो प्रॉब्लम थे वो उस क्रांतिवीर में दिखाए थे, आज हमारे देश में जो प्रॉब्लम है वो इस क्रांतिवीर में दिखाया मैंने। देखिए उस टाइम जब क्रांतिवीर बनी थी जो हालात थे देश के, तो उस फिल्म में वो प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे थे। हियर वी आर डीलिंग विद टुडेज़ प्रॉब्लम्स ऑफ टेररिज्म, ऑफ करप्शन एंड द अदर प्रॉब्लम्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस, सो इट्स अबाउट दैट। I'm playing a journalist और मैं मिस्टर नाना पाटेकर डिंपल जी की बेटी अंदर प्ले कर रही हूँ, सो इट्स अ कंटिन्यूएशन वहाँ से है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन एसोसिएटेड विद दिस फिल्म इज अ वेरी बिग हाई एंड एज फार एज द स्क्रिप्ट गोज इट्स अ वेरी पावरफुल स्क्रिप्ट, सो आई थिंक यू नो गेटिंग टू प्ले सच अ रोल इज अ ड्रीम कम ट्रू। मालूम नहीं उस तरह की अगर कहानी होता, अभी मैं अमित जी से बोल रहा था, मैंने कहा काफ़ी अरसा हुआ यार साथ में काम नहीं किया, फिर करेंगे कभी, तो ऐसे होता है, स्क्रिप्ट होनी चाहिए वैसे, उस तरह की अगर स्क्रिप्ट हो तो मजा आएगा। हाँ इच्छा तो है, ज़रूर है, अगर वो वैसे करें। डेफिनेट चुनौती है, डेफिनेट, क्योंकि क्या है देखो एक लैंडमार्क फिल्म होती है उसका ये रीमेक तो है नहीं लेकिन सिक्वल है, तो सिक्वल के लिए भी मतलब लोग जब देखने आएंगे तो पिछली फिल्म दिमाग में रहती है अगर वो बहुत बड़ी हिट होती है तो डेफिनेट उस बात को दिमाग में रखते हुए ही स्क्रिप्ट लिखी गई है कि पुरानी फिल्म देख के लोगों को लगे कि नहीं इसमें कुछ डिफरेंट है, इसमें आज की बात है, उसका कोई हैंगओवर में ये फिल्म नहीं बनी। आई थिंक डायरेक्टर इज द सेम एंड द होल, आई थिंक जो एक you need a revolution jo us time pe bhi dikhaya tha ki we need that revolution and even this time we are showing that we need that revolution, so I think that is similar and the script is totally different but naya isliye ki ye puri youthful film hai, wo ek matured logo ki film thi, matured baat thi aur us zamane 15 saal pehle jo problem the wo problem us film mein the, aaj isme aaj ke problem hai aur wo youth ki ladai hai, aaj ke problem ke against war of youth। dekho film ke dubbing ke baad main apni film bhul jata hu, main dekhta bhi nahi, अब जो है वो लोगों को पसंद आएगी तो चलेगी, नहीं आएगी तो गिर जाएगी। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.